सुना है सिंडिकेट बैंक एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज पर आसान किस्तों में बिना किसी झंझट के लोन उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज और अभी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सिंडिकेट बैंक शाखा में संपर्क करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, आज से पूरे देश और दुनिया में होली का खुमार है और इस मौके पर जहां हर कोई एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी होली की शुभकामनाएं दी। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारे हिंदू समुदाय को रंगों का त्यौहार होली की बधाई। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, कोरोना से प्रभावित चीन में 90.2% डाक और कोरियर व्यवस्था में काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में डाक व कोरियर व्यवस्था में लगभग 30 लाख कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कश्मीर के औचक दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे उन परिवारों से मिले जिनके बच्चे ईरान में फंसे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमारे बच्चे को जल्द भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और इस वजह से ईरान में रह रहे भारतीयों को वापस बुलाने की कवायद तेज हो गई है। यस बैंक के चेयरमैन राणा द्वारा कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी से प्रिंटिंग खरीदने के मामले में कांग्रेसी और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों को पदोन्नति नहीं देने के मामले में अदालत ने सरकार पर 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि उक्त राशि उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए जिनकी वजह से इतनी देरी हुई है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अजमेर उर्स के बाद होली के त्यौहार को देखते हुए एक साथ 30 ट्रेनों में साधारण श्रेणी के डब्बों में इजाफा किया है। आपको बता दें कि त्यौहार के समय में बड़ी तादाद में लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं, जिसके तहत रेलवे की यह सेवा 15 मार्च तक यात्रियों को मिलेगी। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, गुजरात के कच्छ में स्थल माता नामहर में मंगल ग्रह जैसी सतह पाई गई है। वैज्ञानिकों की जांच में पता चला है कि यह मंगल की सतह से समानता रखने वाली दुनिया की इकलौती जगह है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीएए के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तस्वीरों वाली पोस्टर तुरंत हटाया जाए। आपको बता दें कि सीएए पर नाराजगी जताने के दौरान शामिल कुछ लोगों का पोस्टर कई चौराहों पर लगाए गए थे। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में कोरोना का अभी तक कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने कहा है कि 15 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जबकि 258 लोगों की छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के 42 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर मुंबई के एक कोर्ट में रो पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं जांच में सहयोग करना चाहता हूं। बता दें कि यस बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का पैसा नहीं डूबेगा। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, नारी शक्ति पुरस्कार पाने वाली 98 वर्षीय कार्तियानी अम्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि मैं 98% अंक लाकर कक्षा 4 की परीक्षा पास की हूँ, भगवान की कृपा रही तो 10वीं भी पास करना चाहती हूँ। अम्मा ने बताया कि वह कंप्यूटर भी सीख रही है। उन्होंने केरल की 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बताया है कि असम घूमने के बाद भूटान में कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए अमेरिकी पर्यटक के संपर्क में आए असम के 400 लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनी ने अपनी पुरानी दोस्त रवीना खुराना के 5 सितारा होटल के एक निजी समारोह में शादी कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है फर्जी डिग्री मामले में हिमाचल प्रदेश के सोलन की मानव भारती यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीष गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शिमला की एपीजी और सोलन की मानव भारती यूनिवर्सिटी पर क्रमशः 15,000 और 5,00,000 फर्जी डिग्री बनाने और बेचने के आरोप हैं। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक माह में दूसरी बार भारत की अनुमानित विकास दर 5.4% रहने का अनुमान जाहिर किया है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है कोरोना के कारण शेयर बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है, जहां इसको लेकर आज सेंसेक्स 2450 अंक गिरा और निफ्टी 600 अंक का गोता खाया। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है एक रिसर्च के अनुसार होलिका दहन के बाद देश से कोरोना हमेशा के लिए भाग सकता है। आपको बता दें कि मन कामेश्वर मंदिर में दहन के लिए उपलोग और हवन सामग्री का इस्तेमाल होगा, वहीं चौपटिया में कोरोना के सांकेतिक दहन के लिए कई औषधियां डाली जाएगी। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला T20 विश्व कप फाइनल को लेकर पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा, कुछ साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि 1 अरब आंखें महिला T20 विश्व कप पर जमी होगी। उन्होंने आगे कहा, कप आएंगे जाएंगे, लेकिन आज हर उस भारतीय लड़की की जीत हुई है जिसने सामाजिक बंधनों को चुनौती देने की हिम्मत की। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म 3 हर दिन अपनी कमाई से लोगों को चौंका रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है होली पर भोजपुरी फिल्म पवन पुत्र पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। भोजपुरी फिल्म के स्टार पवन सिंह की तरफ से फिल्म प्रेमियों के लिए यह होली का उपहार है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।